और खबर आपको उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के भिनगा कोतवाली के दुर्गापुर केपी गांव से बता दें, जहां पर किढ़ियावन प्रवा की रहने वाली जानकी यादव की पुत्री अर्चना यादव, जिसका तबीयत खराब था और वो नाले में गिर गई थी, 3 दिन से तलाश करवाया जा रहा था। गांव के लोग लगे हुए हैं, ग्राम प्रधान लगे हुए हैं, सभी लोग मेहनत कर रहे हैं। NDRF की टीमें भी कल आई थी, लेकिन आज जानकारी नहीं मिली है। लेकिन ढूंढते ढूंढते गांव के लोग गांव से थोड़ी दूर पर पहुंचे हैं, जहां पर एक बहुत ही बड़ा पेड़ जो है इसी नाले में गिरा हुआ है। और यहां पर पहुंचने पर जो स्थानीय लोग हैं बता रहे हैं, कहीं से बहुत ही भयंकर बदबू आ रही है। तो कहीं ना कहीं संभावना ये जताई जा रही है कि शायद अर्चना यादव की बॉडी इसी पेड़ के नीचे फंसी हो सकती है। कुछ कपड़े वगैरह मिले हैं, लेकिन अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। लोग जो यहाँ पर खड़े हैं वो चिल्ला रहे हैं कि यहाँ पर बहुत ही भयंकर बदबू आ रही है और हो सकता है शायद उसकी बॉडी हो या फिर किसी और की बॉडी हो। स्थानीय लोगों के द्वारा रेस्क्यू किया जा रहा है। सबसे पहले इस पेड़ को इस नाले से हटाया जाएगा, उसके बाद में देखते हैं आखिरकार क्या मामला है, इसमें कोई बॉडी फंसी है या नहीं फंसी है। क्योंकि लोगों का कहना है भयंकर बदबू आ रही है, जो लोग नीचे हाथ लगा रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ यहाँ पर फंसा हुआ है। अब देखने वाली बात ये होगी, आप लोग इंतज़ार करिए, थोड़ा 1 घंटे के अंदर आपको बताते हैं कि बॉडी मिली कि नहीं। क्योंकि आज 3रा दिन है, अर्चना यादव की तलाश करवाई जा रही है, अभी तक अर्चना यादव का कहीं से कुछ पता नहीं चला है। 3 दिन से लगातार जो दुर्गापुर केपी के प्रधान हैं अविनाश सिंह लो बाबा प्रधान, वो लगातार इस मामले में नज़र बनाए हुए हैं। और एक ग्राम प्रधान होने के नाते जिस तरीके से वो सामाजिक कार्यों में रहते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। अभी जल्द ही उन्होंने कुछ समस्याओं को लेकर के आवाज़ उठाई थी और उसके बाद 3 दिन से लगातार देख रहे हैं, शव की तलाश करवाई जा रही है। Yeah.
भाई पूरा भैया जब मिल जाए तो कोई अपन गमछा वमछा दे दे भैया गमछा हो यार हो यार अरे कसम से कुछ है वही यार कपड़ा हुआ कपड़े नहीं पहने रही हूँ दोसर हो गंदगी का है कावत है देख लो उसका पूरा साफ कराओ खैर नीचे बहुत चिकन आ रहा था अमेरिका।